ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 मई रविवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए रविवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, आज धन अचल संपत्ति इत्यादि को लेकर भी स्थितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप निवेश का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेश कर आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बनाने में आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ अपने माता पिता के साथ संबंधों को और भी सुधारने का प्रयास करें, इससे न केवल आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी, करियर ऊंचाइयों पर जाने की आज संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप नौकरी बदलना चाहें तो उसमें भी आपको आज सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ आज आपको आपके मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा जो आपको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रोत्साहित करेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कई कार्यों के लिए आज अधिक अनुकूलता महसूस होगी। दोस्तों, आज का समय आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि इस दौरान आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आज आप किसी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं अथवा परिवार और मित्रों के साथ कहीं डिनर या लंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा। जो लोग आध्यात्मिक के क्षेत्र में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी जिससे उनका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। साथ ही साथ इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी आपके कार्यों को सराहा जाएगा। आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से मेहनत करते हैं तो सफलता पाने से और पदोन्नति से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान कुछ लोगों का अपने ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़ा हो सकता है अथवा आपके जीवन साथी द्वारा अपने मायके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच अनबन हो सकती है। इसलिए आज आप क्रोध पर नियंत्रण एवं वाणी पर संयम रखें, अन्यथा विवाद में फंस सकते हैं, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों, आपको इस बात का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अत्यधिक आत्मविश्वास में पड़कर कोई भी गलत निर्णय ना लें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी किसी प्रकार का कष्ट ना दें, अन्यथा स्थिति आपके विपरीत हो सकती है। इसलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए और संभावनाओं को सच में तब्दील करने के लिए, क्योंकि अभी का समय आपके लिए मेहनत करने का समय है। इसलिए आप जमकर पसीना बहाएं, अपनी जिम्मेदारियों के मूल को समझने में आपको परेशानी हो सकती है। इसके लिए आपको अपने परिवार के किसी अनुभव व्यक्ति से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, कई बातों को लेकर आप आज चिंतित हो सकते हैं जिससे शारीरिक तथा मानसिक रूप से आज आप अस्वस्थ का अनुभव कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आज अनबन भी हो सकती है। सकारात्मक सोच व आत्मविश्वास
कार्यों में आज आपको सफलता दिलाएगा। या दोस्तों आपके लिए आज आवश्यक होगा कि आप किसी भी निर्णय को लेने से पहले अपना पूरा समय लें और सोच समझकर ही समस्याओं का हल निकालें और समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त संसाधनों को जुटाएं। पारिवारिक जीवन में आज चिंताओं की वृद्धि हो सकती है, लेकिन यदि आप सबको साथ लेकर चलेंगे तो समस्याएं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी। दोस्तों बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों आपके प्रेम जीवन में आज बाहर आएगी। आपको जरूरत है तो बस अपने आंख कान खुले रखने की। जो अविवाहित हैं तो प्रेम विवाह के आज उनके लिए योग बनेंगे। प्रियतम से आज आप अपने दिल की बात साझा कर सकते हैं। दोस्तों प्रेम संबंध आज अच्छे हो सकते हैं। मन के अनुकूल प्रेमी प्रेमिका मिलने की भी आज संभावना पाई जाती है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने मन की बात भी आज आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों प्रेम संबंधों को लेकर आप दोनों में काफी उत्साह देखने को आज मिल सकता है। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति आज हो सकती है तथा कामकाज को लेकर भी अपनी बातों को आज आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेम जीवन में शांति, सद्भाव, रोमांस आदि का आज समावेश होगा। दोस्तों आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुत ही उत्तम दिन रहने वाला है। दोस्तों बात करते हैं आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों कार्य क्षेत्र में आज वातावरण आपके अनुकूल रहेगा और सहकर्मियों का आज आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिससे सभी कार्य बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। दोस्तों आपको अपने करियर और बिजनेस में आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आप अपनी सफलता के आज झंडे गाड़ देंगे। या दोस्तों आर्थिक रूप से भी आज उन्नति के अच्छे अवसर आपके सामने आएंगे और उसके फलस्वरूप आज आप अच्छा धन लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे। या दोस्तों बाहर की कंपनियों से भी आज आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कोर्ट कचहरी से जुड़े लोग भी आज कुछ नई योजनाएं बनाएंगे, जिनमें उनको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। दोस्तों बात करते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज आपके स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार आएगा। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दौरान आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आपकी उस बीमारी में सुधार आ सकता है, जिससे आपकी परेशानियां कुछ हद तक कम हो सकती हैं। दोस्तों साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों आज आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक चौमुखी आटे का दीपक बनाना है। या दोस्तों आपको आटे का एक चार मुखी दीपक आपको बनाना है। या दोस्तों इसके बाद आप इस दीपक में थोड़ा तेल डालें और चार आपको रुई की बाती इस दीपक में लगानी है, क्योंकि ये दीपक चार मुखी है। आपको फिर इसके बाद इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है और मनीमन आपको भगवान सूर्यदेव का स्मरण करना है। या दोस्तों ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होंगे और आपके घर में धन, वैभव और यश में वृद्धि होगी और आपके समस्त कार्य बहुत ही आसानी से बनते चले जाएंगे और आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।